हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। दिस इज सुमित एंड आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बहुत ही एक अच्छी जगह है हमारी दिल्ली में। आपने सोचा नहीं होगा कि वेस्ट मटेरियल जो लोग फेंक देते हैं लोहा लक्कड़, उस कवार भंगार से यहाँ पे बनाया गया दुनिया के 7 अजूबे, उनका एक छोटा सा यहाँ पे पैमाना बनाया गया। तो मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे और आपको काफ़ी डिटेल में वो दिखाता हूँ, तो देखना और बताना आप भी कि कैसा लगा। और अगर आपका भी मन बनता है तो प्लीज़ यहाँ जरूर एक बार विजिट करें। तो अगर यहाँ आप आना चाहते हैं तो आपको सराय काले खान निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, जिसका गेट नंबर 3, ये देखो आपको दिख रहा होगा, गेट नंबर 3 से आपको एग्जिट करना है। और उसके बाद यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस में दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से हम बाहर की साइड जाएंगे जिसके हमारे लेफ्ट हैंड पे आपको मार्केट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी क्वेरी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे को DM करें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ कमेंट सेक्शन भी कमेंट कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। और आज नवरात्र का टाइम है तो आप भी अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे दिल्ली में। अगर आपका प्लान है थोड़ा बहुत ही घूमने का और चिल करने का सामने, तो यहाँ जरूर आए। तो चलिए अब इसी के साथ मैं आपको टिकट की एक बार प्राइस बता देता हूँ। जो भी हमारा हॉलीडे होता है उसमें इसके 100 रुपीज है, ये देखो, बाकी संडे को 100, अदर डेज ट्यूजडे टू सैटरडे 50 रुपीज, मंडे ऑफ होता है। ये देखो मैंने टिकट ले लिया है, 2 टिकट लिया है 200 रुपीज का। अब यहाँ से ये देखो, अब ये वैलिड फॉर 4 आवर्स के लिए। अब ये देखो वेस्ट टू वंडर हम आ चुके हैं गाइज। अब इसके साथ हम अब एंट्री करते हैं, यहाँ हमें सबसे पहले यहाँ पे हम टिकट चेक करेंगे और उसके बाद जाएंगे अपने जितने सेवन वंडर हैं हमारे वर्ल्ड में, उन सबको एक एक करके विजिट करेंगे। ये यहाँ पे ये पार्क MCD द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इसके लोगो ब्रांडिंग हो रखी है MCD की। आज से मैं बहुत साल पहले भी आया था, बट उस टाइम इतना ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन आज देखो, आज मैंने देखा यहाँ पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा आके, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी लाया जाए। ये देखो वाओ, इट्स ऑसम। यहाँ पे एक चीज और खास है, तो सब कुछ देख लो, ये फाउंटेन देखो कितना प्यारा है, सब कुछ यहाँ पे ना, मतलब जो भी जितने भी वंडर्स हैं हमारे बनाए गए, सब बिल्कुल लोहे कूड़ मतलब वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। अब मैं अच्छा नहीं लगता कुछ ऐसा कहूँ, तो ठीक है गाइस। अब ये हम अपने पहले पिरामिड ऑफ गीजा, जिसको आपने बहुत फेमस होगा, इजिप्ट में है, आप इसके बारे में जानते होंगे, हम यहाँ पे आए हैं। ऐसे करके हम एक एक करके 7ों पे लेके जाऊंगा मैं आपको, ये देखो। और इसके 7 वंडर्स हैं, इसके बारे में मेरे को बोलने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सब इससे अवेयर हैं। तो चलिए गाइस, अब हम इसके साथ ही आगे की ओर जाते हैं। बाकी मैं आपको अगर टाइम की बात बोलूंगा शाम में आओ। ये देखो सेकंड हमारा सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड वंडर है, यहाँ आ गए, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये थोड़ा सा ऐसे झुका सा आपको दिखेगा, जब भी आप आओगे ऐसा लगेगा हल्का सा बैंड है। ये आपका इटली में है, आई थिंक रोम के अंदर है। तो ये देखो मैं आपको एक बार थोड़ा बहुत साइड से दिखा देता हूँ, और बाकी इसका मैं बहुत जल्द एक शॉर्ट वीडियो आपका डालने वाला हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स पे। तो गाइस वहां भी आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ID आपको दिख जाएगा sumit_vlogs। और ये देखो हमारा ये थर्ड आ गए, हम थर्ड आईफिल टावर, इसको तो खैर कौन नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स एंड हर जगह आपने सुना होगा। ये आपका पेरिस में है, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ रात का सीन था, दिन में देखो ऐसा है दिखने में। मैंने आपको दोनों लेके दिखाया बिकॉज ठीक है, अगर आप ऐसा आते हैं, ऐसा प्लान करो कि मैं 4 बजे 5 बजे आओ, तो दिन का भी आप इंजॉय कर सकते हो, दिन का भी व्यू ले सकते हो। और नाइट में अगर आपको नाइट में ट्रेवल या नाइट में घूमने के शौकीन हैं, तो रात में भी यहाँ पे आ सकते हो। और बाकी ये पूरा ही मतलब आप फैमिली के साथ आ सकते हो, आप कपल है तो आ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और तो और पहले यहाँ पे आपको खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं रहा, ये देखो यहाँ पे आपको इसके डिस्क्रिप्शन सारा मिल जाएगा, इसकी हाइट कितनी है, क्या है सब कुछ, तो यहाँ आप पॉज करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ विजिट करके भी पढ़ सकते हो, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए तो ये बहुत आम बात है, बहुत ही पास है हमारे सराय काले खान निजामुद्दीन के पास है। ये देखो वाओ कितना प्यारा लग रहा है ना, इसका मेरा मन किया था टाइम लैप्स लेने का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने शॉर्ट्स पे। तो चलिए अब हम अपने अगले वंडर की ओर चलते हैं, देखते हैं अब क्या आने वाला है। ये हमारा होने वाला है 4th वंडर, ये कोलोसियम करके है, ये इसके बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ फिर भी जितना है उतना मैं बताता हूँ आपको। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भी हमारा इटली के अंदर आता है, रोम में, मतलब इटली में हमारे 2 वंडर्स हैं।
जब मैंने सुना मेरे को, मैं बहुत सरप्राइज हुआ, बट ठीक है फाइन, चलो वीडियो का मजा लेते हैं। और ये देखो, ये भी वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाया गया, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये शाम का टाइम है, शाम में यहाँ पे देखो कितनी प्यारी लाइटिंग हो रही है। ये क्या कर रहे हैं, अंदर जाना अलाउ नहीं है, चलो छोड़ो, चलते हैं अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट वंडर के पास, जो मेरे को लग रहा है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आप सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और यहाँ घूम रखे। ये है फिफ्थ नंबर पे हमारा ताजमहल। तो गाइस, कैसा आप अभी तक वीडियो एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, कोई क्वेरी हो तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे आए या यहाँ कमेंट करें। और अब हम यहाँ से इसके साथ आपको नेक्स्ट ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ 7 to 10 minutes में आपको पूरे 7 wonders घुमा रहा हूँ। तो आप भी वहाँ जाएं, enjoy करें। 2 to 3 hours में आप पूरा ये अच्छे से enjoy कर सकते हैं, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या, ठीक है समझ ही गए हो। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे की ओर चल रहे हैं। और इवन मैं अभी देखा हूँ यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ रियो के। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, ये हमारा 6th wonder है। इसकी हिस्ट्री की अगर बात करिए कहाँ पे है, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस, रियो रिडीमर आपका ये ब्राजील में है, अगर आप कभी ब्राजील जाएं तो यहाँ जरूर जाएं। और अगर नहीं जा पाते तो दिल्ली में है ना वेस्ट टू वंडर में, वहाँ के आप आराम से इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये देखो मैं काफ़ी क्लोज शॉट लेके दिखाया हूँ कि ये वेस्ट टू मटेरियल से कैसा बनाया गया है, कैसे दिखता है। चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट वंडर की ओर चलते हैं। और ये आप इसे बहुत ज़्यादा ये फेमस है और आप इसे पहचाने होंगे, चलो गैस कर लो गैस। खैर यहाँ मैंने दिखा दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये आपका कहाँ पे है ये मैं बताता हूँ। ये तो गाइस, अगर इसकी डिटेल आपको चाहिए तो आप वैसे तो वहाँ भी स्क्रीन पॉज कर सकते हो जहाँ मैंने दिखाया, अदरवाइज आप, ये बहुत ही फेमस है, ये US के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, तो आप इसे जानते ही होंगे एंड आपने बहुत जगह आपने इसे देखा होगा। और इवन बहुत लोगों के यहाँ पे जाने की ख्वाहिश होगा, सपना होता है US घूमने का। तो चलिए फिलहाल अभी मैं इसी वीडियो से काम चलाना पड़ेगा और अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की ओर। तो आ जाओ साथ चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे हमारे कैफेटेरिया, और थोड़ा बहुत आप रिफ्रेश भी हो जाते। आओ, तो ये इसका फूड कोर्ट है। यहाँ पे अगर हम सीटिंग कैपेसिटी देखें तो ठीक है, 100-200 लोग आराम से यहाँ आ सकते हैं। मैं पास से भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ टेबल कुर्सी नॉर्मल है। ये आपका यहाँ पे कुछ शेक एंड आपके ड्रिंक्स हो जाते हैं। और यहाँ से अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको और भी जो भी चीज़ें यहाँ पे मेन्यू में मेंशन्ड है वो सब मिल जाएगा। ये आपका आइसक्रीम पार्लर हो गया, आइसक्रीम भी ठीक है ये। एंड रेट की अगर बात करें, मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा क्वालिटी के हिसाब से। मैं आपको मेन्यू कार्ड भी दिखा देता हूँ, एक बार आप उसे स्क्रीन पॉज करके आप रेट देख सकते हो। ये देखो, इसमें सब कुछ मेंशन्ड है ठीक, लेकिन ऑन एन एवरेज है, आप इंजॉय कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोले भटूरे लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, भूख बहुत लग गई। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ पार्किंग भी है गाइज, तो आप अगर अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप इजिली आ सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग के साथ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक्स।